कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ इंतजार रहेगा पूरे इंटरव्यू का। आलोक जी, हमने देखा है कि जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया न्यूज़ के इस इंटरव्यू में कही, वो बात हमने धरातल पर भी देखी है। बहुत सारे नेता हैं, अब सबका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन हमने देखा है कि इंडिविजुअल अटैक, पर्सनल अटैक जिस जिसने भी मोदी को किया है, उसको और उसकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इन सबके बावजूद विपक्ष बार बार सेल्फ गोल क्यों करता है, और यही इशारा प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में भी किया है। देखिए, ये तो राजनीति में मुझे लगता है कि जैसे हथियार से चलाते हैं तो हथियार तो नहीं, वाक युद्ध होता है, तो उसमें अब नैतिकता के आधार पर करे, नैतिकता के आधार पर करे। और इसलिए ये मैं कहूंगा कि हो सकता है बीजेपी में भी कुछ लोग इस तरह के आरोप लगाते हों, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार जैसा वो कहते, जो उनका कष्ट भी है, वो मीडिया का भी वो चर्चा कर ही रहे ना कि मीडिया में चर्चा होती है। देखिए, इस समय 10 सालों से कहा जा रहा है, वो बात भी करते हैं, इनसे बात करना है उनसे हर बार करते हैं, जितना जरूरी होता करते हैं। और अब दूसरा शायद इस इंटरव्यू में कहा होगा, अभी मैं भी पूरा देख करके अच्छा लगेगा। देखिए, सही बात यह है कि जो प्रतिपक्ष के नेता है, जब वो लगता है कि पूरा हमारा बिल्कुल बर्बाद हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी जब बर्बाद हो रही थी, तो आप लगभग कहाँ बची है, दो एक एक राज्य में बची, केरल में, और थोड़ा बहुत कहीं कहीं नाम दिखाई देता है बंगाल में, जिसको ममता नहीं खत्म कर दिया, वरना वो तो नारे मुर्दाबाद जिंदाबाद, इसके अलावा कुछ गाली ही देते। मैं तो संपादक रहा जहाँ अरविंद मोहन जी रहे हैं, वहाँ यूनियन कम्युनिस्टों की यदि है या पटना में, तो वो लोग क्या करते थे, वो संपादक के खिलाफ ही सबसे बड़ा जिहाद छेड़ते थे। राजेंद्र माथुर जैसे संपादक, मनोहर श्याम जोशी जैसे संपादक, हम तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे लोग। अच्छा आलोक जी, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको विपक्ष गाली देता है, भर भर कर गाली देता है, उससे उनकी मुराद क्या होती है? क्योंकि जब राजनीति करता है तो व्यक्ति, तो जाहिर है बुरा भला तो कहा जाता है एक दूसरे को। नहीं, मेरी किसकी मुराद पूरी होती, प्रतिपक्ष की कह रहे हैं आप या प्रधानमंत्री खुद की? जी आप क्या कह रहे हैं, किसकी मुराद पूरी होती है, प्रतिपक्ष के? नहीं नहीं, मुराद मतलब इसका इसका मतलब क्या है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं उनको भर भर कर गाली देता है विपक्ष, वो अपने इस एक भावुक अपील है और लोगों को शायद अपील भी करती होगी ये, इसके पीछे की वजह क्या है, वो किस किस बात को कहते हैं, जो उनकी बुराई करता है विपक्ष उसको कहते हैं, या कुछ पर्टिकुलर किसी बात को लेकर वो कहते हैं ऐसा? देखिए, मुझे लगता है हर व्यक्ति थोड़ा संवेदनशील होता है, और मैं इसको अपील नहीं मानता। ये ठीक है कि हमारे संपादक दोनों यशवंत राणा जी हैं, और ऐश्वर्या जी ने भी जिस तरह से बात की, गुलाटी जी ने किया, तो एक थोड़ा एक उनको लगता है दिल खोल करके बात करें, इसीलिए जो अपने साथी सहयोगी कह रहे हैं, जब उनको लगता है कि इनके सामने हम खुल की, वो वैसे भी मैंने देखा और भी जो उनमें कोशिश वो कर रहे हैं, मैं हमेशा मानता हूँ जो बगैर जिसको ऑन रिकॉर्ड आपसे बात होती है, तो मुझे अलग तरह से मैं बात करता ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मुझे उनके बारे में अनुमान है कि उनको दर्द है कि उनको कारण कई ऐसे मामलों में, जैसे मैं जानता हूँ कि उन पर किस तरह के कई आरोप जो वहां भी रहे तो लगाए गए, जो निराधार थे, जिससे आप ये कहे ना, जैसे जयप्रकाश जी को जब CIA एजेंट कहा जाता रहा, इंदिरा गांधी कहती थी, इंदिरा गांधी का भी इंटरव्यू किया है मैंने, तो आप ये देखिए कि उनको लगता है जिसको मैं बेटी कहता हूँ, वो यदि मुझे हम लोगों को CIA कहे, मोरारजी भाई के लिए कांग्रेस के ही नेता जो उनके साथ काम किए, जब उनको CIA कहा गया, कुछ वो व्यक्त करते थे, इतना गुस्सा होते थे, मोरारजी भाई आज तो मीडिया कुछ नहीं है, ये गुजराती नेता है इसलिए मैं मोरारजी भाई को याद करता हूँ, अपने पुस्तकों में लिखा है, मैं गया तो उन्होंने कहा तो हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते हो ना, बिरला बिरला के अखबार में हो, मैं बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस का संदेश भी नहीं दूंगा, देश के नाम संदेश, मैंने कहा जी मैं जाने की तब मुझे था उनसे मिलने, उन्होंने कहा तुम बैठो तो आधा घंटा तुमसे बात करूंगा, लेकिन हाँ उस साप्ताहिक हिंदुस्तान तुम्हारा जो हिंदुस्तान टाइम्स मालिक है उसके लिए नहीं दूंगा। तो ये आज नहीं है, ये कई था। और जहां तक इस तरह की बात है कि मीडिया में ऐसा कह करके, अभी जो आप चर्चा भी कर रहे थे कि वो कहने से इस समय कह रहे हैं मीडिया जो है कुछ विरोध में है जो उन्होंने जिक्र किया, सही बात यह है कि मैंने तो देखा है इंदिरा गांधी के जमाने में 100-100 रुपया लेकर देश के बड़े बड़े अखबार के ब्यूरो चीफ खबर छापते थे, हमारी फोटोकॉपी लेके, कार्बन कॉपी होती थी तब, मैं नाम भी बता सकता हूँ, बोलूंगा नहीं, जो कुछ तो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए ये सब जो होता आज खरीदे वाले ज्यादा पहले खरीदे जाते थे, वो आदत पड़ी हुई है। सेंट्रल हॉल मेरा बंद हुआ तो मुझे भी कष्ट है, कई लोगों से मिल लेते थे, लेकिन वहां जो दलाली करने जाते थे पत्रकार के नाम पर, उनका रास्ते बंद हो गए, इसलिए मीडिया में गाली होती, नेताओं को लगता मेरा धंधा बंद हो गया, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं के धंधे बंद हुए हैं, आज ही मैं दिन में किसी से बात कर रहा था, कई लोगों के बिहार में, मध्य प्रदेश में टिकट कटे हैं,
जिनको लोग मानते थे कि तो बड़ा वो है, इनका बड़ा संघ से भी संबंध है, बिल्कुल बर्बरता के साथ टिकट कट गए, तो उनको तकलीफ तो होगी ना। प्रचार आप देख नहीं रहे हैं कि अरे उसको क्यों टिकट मिल गया, कुछ गलत मिले होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई सब देवता हो, गांधी के समय भी कोई अच्छे लोग भी थे, नेहरू के समय अच्छे लोग थे, और गाली नेहरू को कम नहीं पड़ती थी, नेहरू तो पक्ष में ही नहीं थे, मेरे पास उनका भाषण रखा हुआ है। आलोक जी मैं एक सवाल प्रकाश जी से लेता हूँ, प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ है, फिर उसके बाद हम जो अगली बात पीएम मोदी ने कही है उस पर हम चलेंगे। प्रकाश जी जो बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि विपक्ष उनको भर भर के गालियां देता है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि विपक्ष को अब एक तरीके से ट्रेंड बना दिया, विपक्ष ने फैशन बना दिया है कि मोदी को गाली दो और उसके बाद चर्चाओं में आ जाओ। लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पीएम मोदी का पब्लिक के साथ कनेक्ट इतना जबरदस्त है कि जो भी डायरेक्ट अटैक इंडिविजुअल अटैक पीएम मोदी पर करेगा उस वो जनता की नजरों में उतर जाएगा? देखिए मैं घड़ी की सुई है उसे 1947 ले जाना चाहूंगा, और वो ये है कि सब तो ये इस बात को मानना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी उनके पहले लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी, इन लोगों ने जो प्रधानमंत्री थे तो इन लोगों ने देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट दी थी। और उसके बाद कोई शख्स है, कोई शख्सियत है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट दी थी। देखो देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा है उसके, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सरकार के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है, तो इस बात के लिए तो मैं जरूर कहूंगा। लेकिन मोदी जी जो आए दिन नेहरू परिवार और परिवारवाद पर जो बात कहते हैं, ये कई बार हम लोग को पसती नहीं है। उसका कारण यह है कि जो नेहरू गांधी परिवार का योगदान है, एक आदमी जो इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ा, जिसका स्कूली अंग्रेजी जो है वो इंग्लैंड में हुई, फिर शिक्षा उसकी हुई, वो भारत आकर के जहाँ 14 साल जो आदमी जेलों में रहा हो, 14 साल जेल, जो आपके मोदी जी शायद एक दिन भी नहीं रहे होंगे, 14 साल जिस आदमी ने कहा उसके लिए ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं। अच्छा फिर देश के जो तो उनका विजन जो था आधुनिक भारत के लिए का जो उनका विजन था, आप देखिए ना 47 देश आजाद हुआ, 53 के अंदर जो है 53-54 के अंदर तो भिलाई की जो इस्पात के कारखाने से जो है कि चिमनी से धुआं निकल गया था, तो आप ये देखिए कि कितनी कितना विकास हुआ था, और ऐसी स्थिति में हुआ था जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, संचार व्यवस्था बिल्कुल। प्रकाश जी एक और मुद्दे पर आते हैं, क्या क्या प्रधानमंत्री ने कहा है, हम छोटे छोटे अंश दिखा रहे हैं उसके, पूरा इंटरव्यू तो 9 बजे आप देख सकते हैं, इंडिया न्यूज के पूरे नेटवर्क पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है वो भी हम बता दें, पीएम मोदी ने विपक्ष के सांप्रदायिक एजेंडे को भी इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में एक्सपोज किया, क्या उन्होंने कहा ये आपको सुनवाते हैं। मैं उन कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके घोर सांप्रदायिकता की है, और इन लोगों में 3 चीजें कॉमन नजर आती मुझे। एक, ये घोर सांप्रदायिक है, ये लोग घोर जातिवादी हैं, ये लोग घोर परिवारवादी हैं। ये 3 चीजें इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर, इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे इस इंटरव्यू में कही हैं, हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बार बार अपनी रैलियों में इन्हीं बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने विपक्ष को घेरा है सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, परिवारवाद हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी पीएम मोदी अटैक करते हैं विपक्ष पर तो उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ में रहता है, तो जातिवाद परिवारवाद को लेकर और सांप्रदायिकता को लेकर एक बार फिर से घेरा है पूरे विपक्ष को। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा तो बना हुआ है, और मैं फिर से याद दिलाऊंगा, आपसे भी शायद चर्चा में मैं कह चुका हूँ कि राजीव गांधी तक ये कहते थे कि यदि आरक्षण का विस्तार किया गया तो बुद्धू होंगे, तो अब राहुल गांधी उस तरह का मामला लाए, लालू यादव तो हमेशा कहते मेरा यादव उसी के आधार पर जीतेंगे, अखिलेश यादव जी भी जबकि वो मॉडर्न है मुलायम सिंह जी से थोड़ा नई पीढ़ी के हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है यादव मुस्लिम वोट बैंक और पार्टियों को, या उनको लगता है हिंदुत्व तो मोदी या बीजेपी या अटल बिहारी वाजपेयी या जो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेके, उनका हिंदुत्व एजेंडा तो बहुत शुरू से क्लियर रहा। लेकिन आश्चर्य होता है कि जब उस तरह का
ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह या लालू यादव जी बीजेपी वालों के साथ संपर्क में नहीं रहे। लालू यादव तो खैर बिल्कुल कभी वो नहीं आए, लेकिन जेल वेल में जब रहे थे तो सब लोग साथ में, सुशील मोदी अभी जिनका निधन हुआ है। इसलिए ये जो अटैक है ये इस बात पर उजागर करना है, चूंकि जनता भी उससे ऊब चुकी है। मैं बार बार, कई लोग ये मानते हैं कि जाति के आधार पर, लेकिन आप देखिएगा जो जाति पर इन्होंने भी खड़े किए आरोप, ये कहा जाता है बीजेपी ने भी, जो उनके यहाँ जाति के लोग नहीं आए हैं क्या? आप खाली ये कह सकते हैं कि हाँ मुस्लिम उनका कोई सांसद नहीं है, पहले थे मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन, लेकिन अभी नहीं है, हो सकता है राज्यसभा में कोई आए उनमें से, कब आए ये नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर हमला करना इसलिए कि जनता के बीच में उनका एक लक्ष्य है, हो सकता है जैसा आपके कुछ हमारे मित्र कहते हैं जब उनको वो ज्यादा नहीं मिलेगा कम नहीं मिलेगा। मेरा तो मानना है कि इस लड़ाई में चाहे पराजय हो लेकिन जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ उनको मुहिम जारी रखना चाहिए, क्योंकि वो नहीं रखेंगे या जो पत्रकार है उनका है, मीडिया में भी रोल यही है कि हम क्यों कहें कि ये हमारे साथी कोई है तो वो मुस्लिम है तो उसके साथ भेदभाव हो, उसके साथ हम ईद पे खाना नहीं खा सकेंगे क्योंकि वो तो मांसाहारी है। राहुल गांधी ने तो वही बदतमीजी की ना, ईद का खाना रहे झूठ बोल रहे हैं, क्या ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी है क्या? अरे हर आदमी मांसाहारी नहीं होता, अबुल जी पूछिए उनके साथ सब लोग साथ में लंच करते हैं कि नहीं करते आप लोग? बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से जो जाति और धर्म के आधार पर एक कटुता पैदा कर रहे, ठीक है, और मैंने इसीलिए कहा कि प्रकाश जी आप क्या मानते हैं, प्रकाश जी आप क्या मानते हैं, अब तक जब से हमने देखा होश संभाले हुए और हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को, तमाम पार्टियां, पूरा विपक्ष कहता है साहब ये सांप्रदायिक पार्टी, आज प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ये हम सांप्रदायिक नहीं है बल्कि ये तमाम पार्टियां जो विपक्ष है वो सांप्रदायिक है, इन्होंने सिर्फ सेक्युलरिज्म का चोला पहन रखा है। साहब देखिए भाजपा चाहे कुछ भी कहे, भाजपा की जो नियत है जैसी नियत और जो कुछ करते हैं और जो उनके मन है समझे, वो तो आप मान के चलिए वो तो बिल्कुल मुस्लिम विरोधी, इसमें कोई शक नहीं। अब प्रधानमंत्री चाहे चुनाव के वक्त में उन्होंने हमारे राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने जो पत्थर फेंकना शुरू किया मुस्लिमों पर, वो हमारे राजस्थान में वहाँ से शुरू हुआ था बांसवाड़ा में जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत कम, वहाँ से शुरू किया, फिर टोंक आकर किया और टोंक जो राजस्थान को से ये उनका जो मुहिम चालू हुई मुसलमानों के खिलाफ वो राजस्थान से चालू। और मैं आपको कहता कह सकता हूँ कि जितने कटु शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतना खराब शब्दों का प्रयोग किसी ने नहीं किया किसी जाति के लिए जो मोदी जी ने किया। ऐसे ही आग मतलब आग उगली थी उन्होंने बिल्कुल, और हमको हमेशा ये लग रहा था कि दंगा ना हो जाएगा, ऐसी स्थिति और पूरे देश में स्थिति थी, इतनी जबरदस्त मीडिया ने उसे दोहराया और फैलाया इस बात को, लेकिन फिर भी मैं जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको मैं उसकी न उसका नमन कर उसको मैं उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि उसने इतने भड़काऊ भाषण के बावजूद भी उन्होंने मोदी जी को माफ कर दिया। मोदी जी और उनकी पार्टी का आप इनको आप अल्प समुदाय अल्पसंख्यक जो हैं उनसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ये हमेशा हर चुनाव जो है ये पोलराइजेशन पे और तुष्टिकरण के नाम पे जीतेंगे। इनको हिंदुत्व जो है वो सिर्फ राज करने के लिए, और ये मंदिरों का मुद्दा आज नहीं आज से 500 साल आगे तक, और एंटी मुस्लिम जो इनकी फीलिंग्स है ये आज से नहीं आज से 500 साल आगे तक ये इसका प्रयोग करते रहेंगे। और आप देखेंगे हम सब देखेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी देखेंगे देखेगी कि ये सिर्फ हिंदुत्व और एंटी मुस्लिम जो इनकी फीलिंग्स है उस पर वोट करेंगे। ठीक है शांतनु जी, एक सवाल आपसे, ये जो सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, परिवारवाद है, मतलब ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं, मुझे लगता है कि शायद मोर और लेस ये आज हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, बस सब अपनी ईज के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी ने राजनीति की व्याकरण को बदला है मेरे ख्याल से उसको देखना होगा। उसके पहले बिल्कुल आपने देखा किसी तरह की आइडेंटिटी की राजनीति होती थी, या तो जाति की आइडेंटिटी हो या वो धर्म की आइडेंटिटी हो, उसकी जरूरत इसलिए पड़ती थी कि अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप व्यक्ति का जीवन नहीं सुधारेंगे तो क्या ढूंढेगा आप में, वो आपका काम तो देखने आपके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं।
तो आप क्या करेंगे? यही कांग्रेस ने करा, कांग्रेस ने 70 साल करा क्या? मुसलमानों को डराओ हिंदुओं से, जो हमारे पैनलिस्ट भी डरा रहे हैं, मुझे देखना पता नहीं पैनल में बोल कैसे रहे हैं वो पैनलिस्ट भी डरा रहे हैं आपको, यही हो रहा है। यही बड़ी आसान कमेंट्री टीवी पे भी होती थी कि मुसलमानों को डराओ, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और हिंदू को कभी हिंदू मत बोलो, हिंदू को बोलो तुम हिंदू नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शाक्य हो, तुम वैश्य हो, और उनको बांट के वोट ले लो। नरेंद्र मोदी ने ग्रामर को चेंज कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वोटर को कंसोलिडेट कर दिया। अब वोटर इसलिए वोट करता है क्योंकि उसका, क्योंकि उसके सिर पे छत आ गई है, क्योंकि उसके पास टॉयलेट आ गई है, उसके पास डीबीटी होता है, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर अगर मैं यहाँ से मेरठ पहले 2.5-4 घंटे में जाता था, अब आधे घंटे में जाता तो मुसलमान भी जाता है। अगर एयरपोर्ट हो गए तो मुसलमान के लिए भी हो गए। प्रकाश जी संक्षेप में बताइए, पर हम अगले बयान पर आएंगे। हिंदू मुसलमान सबको मिलता है, लेकिन लोग बता रहे हैं तो राजनीति खराब करती है नरेंद्र मोदी। अब मैं हिंदू मुस्लिम कैसे करूं? अब मैं सचर कमेटी की रिपोर्ट कैसे भेजूं? तो ये लॉलीपॉप देते रहे मुसलमानों को। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, आपकी बात पर प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शांतनु जी आपकी बात पर प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में प्रकाश जी कहिए, पर हम अगले बयान पर आएंगे। आप भी मानेंगे ये सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा ने रुख अख्तियार किया है वो ऐसा है, इस पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं। जितनी मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी सबसे अच्छी बात मानता हूँ मैं, वो ये है कि मोदी जी स्टेबल गवर्नमेंट देते हैं और एक राष्ट्र के लिए। देखिए जापान के अंदर, फ्रांस के अंदर क्या होता है कि वहां पर प्रधानमंत्री बदले जाते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, प्रधानमंत्री बदल जाता है, कई बार नीति का या किसी तरह का तालमेल नहीं बनता है तो वो उसे अलग कर देते हैं। लेकिन भारत जैसा देश है, वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट देना कोई मामूली बात नहीं मानता हूँ मैं, कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। और उसके पहले सवाल यह है कि ऐसी स्थिति है, मतलब मोदी जी के पहले जवाहरलाल जी ने दिया था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने दी थी, इंदिरा गांधी ने दिया था और राजीव गांधी ने दिया। 1989 की बात, 89 के बाद जब जनता दल वगैरह सब आए, उसके बाद इंस्टेबिलिटी का जो एक चल रहा था उसको मैं एक विराम लगाया मोदी जी के लिए, उसकी मैं प्रशंसा करूंगा जरूर। क्यों? और 2024 का चुनाव भी मोदी जी जीत रहे हैं और देश को स्टेबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, इसकी बात के लिए मोदी जी के अंदर कुछ बदलाव की आवश्यकता है, और न सिर्फ मोदी जी में, भाजपा के रुख में भी किसी बदलाव की आवश्यकता है। उसका ये कारण है कि जो हमारे 17-18 करोड़ 22 करोड़ जितने भी मुसलमान हैं वो इस देश के लोग ही हैं, उनके लिए आपके लिए कोई योजना होनी चाहिए, उनके लिए मन में प्यार होना चाहिए जी, सबसे बड़ी बात है, उनके लिए नफरत वाली बात उनको इसी देश में रखना है। कैसे आप पालेंगे, कैसे रखेंगे, किस तरह से समझेंगे, उसके ऊपर आप उनके लिए योजना बनाए, वो आपके साथ ढूंढना चाहिए। ठीक है प्रकाश जी, हम अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं क्योंकि भी एक दो स्टेटमेंट्स और हैं इंपॉर्टेंट जो कोट किए हैं प्रधानमंत्री ने इंडिया न्यूज़।